रायसेन, जिसकी किस्मत में ऊपर किला और नीचे जिला, इसके अलावा हुजूर जो मिला तो वो है झुंझुना। झुंझुना जो कल तक मतदाताओं के हाथों में थमाया जाता था, अब तो सोमेश्वर भी न बच सके। पंडित जी आए, मुद्दा उठाया, आईना दिखाया और अगली कथा के लिए निकल लिए। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। उमाबाई आई, गर्जी, अनशन का ऐलान किया और फिर जय जय हरी। लेकिन मेरे हृदय का संताप दूर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज से अन्न का त्याग कर दूंगी, तब तक के लिए, जब तक ये ताला नहीं खुलेगा। राजधानी से सटे शहर की बदकिस्मती देखिएगा। यहाँ की सड़कें नाप कर बड़े बड़े नेता भोपाल से लेकर दिल्ली की सत्ता तक पहुँच गए, लेकिन इस शहर को हासिल कुछ ना हुआ। ना तो विकास की धारा से जुड़ पाया और ना ही अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई विरासत छोड़ सकने के काबिल बना। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं भैया। सोमेश्वर हैं जो कण कण में विराजते हैं, कैद जैसा उस ईश्वर के आगे सब गौण, बस उसकी माया है गुरु, और इंसान उस माया को मजाक समझ खेलने लगता है। बॉल से फॉलोअर कहते हैं साहब कि पंडित जी का काम सिर्फ रायसेन के सोए हुए शिव भक्तों को जगाना था, सो वो काम उन्होंने भली भांति पूरा भी कर दिया। अरे भैया, पंडित जी सिर्फ कथा वाचक ही नहीं बल्कि शिव भक्त भी हैं। उनकी माने तो महादेव की आराधना सर्वप्रथम, शिव उनके साथ भी है, तभी तो हरिद्वार में हुई बड़ी दुर्घटना से निकल पंडित जी सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गए। तो क्या पंडित जी अब सिर्फ जगाते ही रहेंगे? खुद क्यों नहीं मोर्चे की अगुवाई करते? क्या महादेव के नाम पर ताली और चढ़ावा ही सर्वप्रथम? पंडित जी, आपकी एक आवाज ने देश को हिला दिया, आप खुद भी हिलिए और थोड़ा आगे भी आइए। आपको रायसेन ने बहुत सम्मान दिया है और उस सम्मान का मान रखिए। वैसे आपकी आवाज ने रायसेन की फिजा में भी सरसराहट तो फैला ही दी, उसके चलते संवेदनशील शहर अब तपती रेत पर बैठा है। चैनल पर चलती कथा में आते बैंक अकाउंट्स का नंबर और उसमें राशि भेजे का संदेश के स्थान पर सोमेश्वर आंदोलन के लिए कुछ शब्द जड़वा दीजिए महाराज। पंडित बाबाओं की इस देश में कमी नहीं, एक तलाशिए सैकड़ों ताकते मिलेंगे। शहद की बेलपत्र से कोई बच्चा पास नहीं हो सकता। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरे साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। पीपल पर लाल कपड़ा बांधने से धन नहीं आ सकता, सभी जानते हैं, लेकिन पंडित जी श्रद्धा है, आस्था है, इसलिए मान लेते हैं। लेकिन सोमेश्वर के लिए भक्तों को जगाना ही काफी नहीं, भक्ति आपको भी दिखानी होगी। मोर्चा आपके हवाले है पंडित जी, आओ कुछ कर जाओ, वरना रायसेन वालों के हाथ में पकड़ाया झुंझुना वापिस ले जाओ। सोमेश्वर के ताले नहीं खुलेंगे चलेगा, कम से कम शांति तो रहेगी। और हाँ उमाबाई, आप अपनी उम्र का ध्यान रखिए। लेकिन मेरे हृदय का संताप दूर नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज से अन्न का त्याग कर दूंगी, तब तक के लिए, जब तक ये ताला नहीं खुलेगा। कोने में बैठकर खाना पीना चलने दीजिए, वरना कमजोरी आ गई तो भला कौन संभालेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।